अक्षय कुमार जब कनाडा की नागरिकता रखने की बात स्वीकार चुके हैं और अब राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनकी पात्रता को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं। फिल्म निर्माता राहुल ढोलकिया ने हालांकि उनका समर्थन किया और कहा कि एक विदेशी नागरिक को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा सकते हैं। अक्षय को कैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इस बात को लेकर शनिवार को सोशल मीडिया यूजर्स जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म संपादक और लेखक अपूर्वा असरानी भी शामिल थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। असरानी ने ट्वीट कर कहा, हालांकि फिल्म समारोह निदेशालय के नियमानुसार जो संगठन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रस्तुत करता है वह उम्मीदवार की पात्रता इस आधार पर तय करता है जिसमें नियम के मुताबिक विदेशी मूल के फिल्म पेशेवर और तकनीशियनों को भी पुरस्कार के लिए विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जूरी में पहले रह चुके निर्माता राहुल ढोलकिया ने ट्वीट कर स्पष्टीकरण दिया है। नियमावली का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय को रुस्तम फिल्म के लिए 2016 में दिया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गैर राजनीतिक साक्षात्कार लेने के बाद से अक्षय सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। भारतीय नागरिक न होने के बावजूद देशभक्ति की बात करने के लिए उनकी आलोचना भी हुई। INS रिपोर्ट।